पाकिस्तान के एडवाबाद में हुए पाक इंटरनेशनल एयरलाइंस हादसे में विमान में सवार 48 यात्रियों की मौत हो गई है। मृतकों में पॉप गायक से इस्लाम प्रचारक बने जुनैद जमशेद भी शामिल हैं। इस हादसे में किसी की भी जान नहीं बच पाई है और फिलहाल 36 शव बरामद कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के PK-661 विमान ने चित्राल से इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरी थी। इस दौरान हवेलिया के नजदीक आते ही अचानक विमान का कंट्रोल रूम से संपर्क कट गया। बताया जा रहा है कि आग लगने से विमान बतोलनी गाँव में क्रैश हो गया। PIA के अधिकारियों ने बताया है कि रडार से गायब होने से पहले विमान के पायलट ने ट्रैफिक कंट्रोल को संकट की जानकारी दे दी थी। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2012 में भी इस्लामाबाद में उतरने से पहले भुजा एयरलाइंस का विमान क्रैश हो गया था, जिसमें 127 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने प्लेन क्रैश और यात्रियों की मौत पर दुख जताया है, तो वही मामले की जाँच के निर्देश दे दिए गए हैं। देखते रहिए DB Live।